أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم ويسر لأمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حساب النماز کے ذریعے لیسن نمبر 11 پارٹ ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ وہی ایئرس آپ کو میں یاد کروا دوں ہم نے لیسن 1 میں دیکھا تھا ये वही चीज़ है हमारी अरेबिक की सीखने की स्पीड को तेज़ कर देती है और हमने आज फेल स्टार्ट किए थे जो हमारे फेल माजी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे वो आज देखते हैं लेसन में लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ कि चढ़ाई चढ़नी होती है ना पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो ज़रा मुश्किल होती है उतरना आसान होता है अगर बंदा फ्री छोड़ देना खुद को फ्राई पर थोड़ा सा फ्री अगर हो जाए बिल्कुल एडजस्ट करने के लिए तो वो बड़ी स्पीड से नीचे जाता है क्योंकि उतरना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल होती है तो चढ़ाई हमने चढ़ ली है सारी 10 लेसन पे मिड हो जाता है ये 11 लेसन हमने इसलिए शामिल किया है कि आगे जो रिवीजन वगैरह हम सारे टेस्ट करने हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है हमारा मिड का कोई हो जाएगा उसके बाद पता भी नहीं चलना कि बाकी कोर्स हो जाएगा देखें ऐसे लग रहा होगा कल की बात है लेकिन कितने हफ्ते हो गए हैं वीक में सिर्फ 2 क्लासेज होती हैं मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यार कल की बात है कोर्स स्टार्ट किया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 11 क्लासेज हो गई हैं तो आगे 9 रह गई हैं वो भी हो जाएंगी इंशाल्लाह पता नहीं चलना वक्त गुजर जाना है तो कोशिश यही है कि कोई चीज़ हम ऐसी सीख लें या कोई ऐसा काम कर दें कि जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी में भी हमारे काम आ जाए तो इसी वजह से हम सब इकट्ठे हैं यहाँ अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए क्या आपने सबक पढ़ा है लेसन नंबर 10 हमने पढ़ा था ABCD इंडिविजुअली सब अपना अपना बता दें आज पता चला तो दूसरा मुझे बड़ा नहीं है पढ़ना चाह रहा अच्छा सर आपका बी पढ़ा है आपका सर डी ऑप्शन है इसमें अवेलेबल है आपका सर डी ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बताना आप ठीक है सी वो आज ढीले हुए हैं हमारे सबसे एक्टिव मेंबर हैं लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पढ़ के आए 50% चले जी अल्लाह ताला आपको और इस्तकामत दे आपको सेहत भी दे ये हमारे पास फेल माजी हम पढ़ रहे थे इसमें हमने आपको बताया था कि 4 सेट होंगे 2 सेट हमने कर लिए थे क्योंकि ऐसे ही है एक वो पाला वाला किया था अगर आपको याद हो उसमें और कौन कौन से थे तो पहले हम PPI रिवाइज करते हैं फिर ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे फिर साथ आप करवाएंगे थोड़ा सा अपने हैंड्स वगैरह फ्री कर लें सुनिए देखिए सोचिए बोलिए बताइए दिल से कीजिए सब मिलकर कीजिए अब मैं इशारे करूँगा आपने बोलना है ठीक है थोड़ी सी जरा आवाज़ इतनी हो कि कम से कम अपने कानों तक आए जी जबरदस्त सर बहुत अच्छे करवाया आप सर ये वही डायग्राम है तो थोड़ा सा डीपली हम देख लेते हैं दोबारा क्योंकि हमारा कोई जाने वाला है रिविजन में भी हम देखेंगे कि इस जो है ये आपने याद रखना है इसकी निशानियाँ याद रखनी है आपने क्या निशानियाँ हैं जी अलिफ लाम लगा होगा जिनके ऑप्शन आ जाते हैं ना कि इसमें से इसम फेल हरब इसके तलाश करें ठीक है तो आपने देखना है इसम कौन सा है अगर अलिफ लगा हुआ है ना इन 4 ऑप्शन में जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ साथ तो माना वो इसम है थोड़ी सी आपको आसानी होगी इसके बाद और ये या तो नियाँ लगी होंगी या 2 ज़बर और 2 गैर ये इसम की निशानियाँ हैं और अगर जमा में होगी इस तो मुज़क्कर के लिए वाव नून और ये नून साथ लगा होगा और अगर इस मोनस में होगी और जमा में तो अलिफ के साथ लगा होगा फेल यानी कि जिससे काम के होने या करने का पता चले जैसे हमने फातहा पढ़ा है तो ये अभी हम दोबारे देखेंगे साथ हर क्या है जी जो इस और फेलों को आपस में मिलाए यानी कि जो ना फेल हो और ना इस मौको हर होता है जैसे हमने बहुत सारे पढ़े भी हैं बी ली मिन सी और अन अच्छा थोड़ी सी रिविजन ही कर लेते हैं कि बी का माना हमने क्या पढ़ा था से याद हमने कहाँ से रखा था बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम बी का माना हमने क्या पढ़ा था लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए और मिन से याद हमने कहाँ से रखा था मिन जानिब क्या है हाउस बिल्लाह मिन जानिब भी एक मिसाल है रोज़ बिल्ला गणेश शैतान और ई का क्या माना था जी मैं ये हमने याद कहाँ से रखा था ई से भी अल्लाह सर बहुत अच्छे ये अल्लाह के नाम है और इन्ना ये याद कहाँ से रखा था
तो ये देखें इसमें और फेल से क्या है जी, किताब का यमीन का ये वो टुकड़े हैं वो हम का ये कुम ना वाले, ठीक है, इनके साथ कोई भी वर्ड हम जोड़ सकते हैं, जैसे किताब का आपकी किताब, इसी तरह किताब ही मेरी किताब, किताब कुम और सबकी किताब को किताब ना हम सबकी किताब, तो ये वही चीज़ है फेल में भी। सबसे पहले इधर आपकी बात होगी, फाल का आपने किया, फाल तू मैंने किया, फाल तुम आप सबने किया, फाल ना हम सब ने किया, इसकी वो क्या कहते हैं पैटर्न हुई है, यानी कि सबसे पहले इधर वाहिद एक के लिए वो सब, फिर आप, फिर मैं, फिर आप सब, फिर हम सब। तो आगे देखते हैं कि हमने फिर स्टार्ट किए थे, इसका पैटर्न वही है के एंड लाम, यानी कि एक क्वेश्चन भी आ जाता है पुलिस में कभी फेल के कितने ऑप्शन में ये मुश्तमिल होता है, तो हमें बताना है कि ये तीन का मुश्तमिल होता है, जैसे फे आइन ला जैसे बताया भी गया अभी, मैं अक्सर फेल तीन हमेशा बनते हैं, तो हमारी कुछ मन में है भी सिर्फ तीन रूप वाले, तो हमने तीन ही ऑप्शन पे टिक करना है, और तो चार वाले भी हैं। अच्छा जी, फेल माजी हो गया, फेल गुजारे अच्छा, इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ और जो होगा, ठीक है, फ्यूचर यानी कि इसमें प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है, या हो रहा है, जी हो रहा है बिल्कुल, जो अभी तक नहीं हुआ हो रहा है या होगा, एक होता है ना पास्ट गुजर चुका, प्रेजेंट मौजूद और फ्यूचर आने वाला, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है, इंग्लिश में अलग अलग है लेकिन मुजारे में दोनों ही इकट्ठे हैं, हो रहा है कंटीन्यूअस, जी कंटीन्यूअस। और अच्छा, पहले अमर हुक्म देना या किसी से गुजारिश करना, पहले माजी हमारा चल रहा था, फाला प्रैक्टिस कर लेते हैं इशारों से, मेरे साथ क्वेश्चन आंसर फाला का माना क्या है जी, ये देखिए उसने किया, फेल से याद रखना, इसे फेल यानी कि कुछ काम करना, जवाब काला में फालू का जवाब फालू में, और फालता का जवाब हो जाएगा फालतू, ठीक है, फालता का जवाब हो जाएगा फालतू, और फालतू का जवाब हो जाएगा ये भी एक कंसेप्ट हमने देखा था, खैरुन और खैरन, यानी कि जब दो पेश आए ऊपर, यानी कि ये जो लफ्ज अपनी असली हालत पर है, यानी कि ये काम करने वाला है, ठीक है, और अगर इसके ऊपर दो गदर आ जाए तो इस पर काम हो रहा है, जैसे हमने जैद देखा था, जैदुन जैद करने वाला था और जैदन हो गया था, तो यानी कि जैद पे कोई काम हो रहा है। आगे हम मजीद देखते हैं, हल फाला खैरन, अब इस पर दो गदर आ गए, हल का माना क्या, फाला हो रहा है, उसने किया आयरन, कोई खैर का काम है, ठीक है, अब ये हो रहा है काम, ठीक है, तो इसी तरह नाम फाला आयरन, फाला का जवाब फाला में, फालू का जवाब फालू में, फालता का जवाब फालतू में, और फालतुम का जवाब फालना, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, शुरू वाले दो उनका जवाब उन्हीं में रहेगा और इधर से आमने सामने तब्दील हो जाएगा जवाब, अगर फालतू आ जाए ना तो उसका जवाब आ जाएगा फालता में, और अगर फाल ना आ जाए तो जवाब आ जाएगा फालतू में, रहेंगे ये आपस में इंटरचेंज होंगे, इनका कोई और नहीं जवाब हो सकता। चलिए इस लेसन से कुछ क्वेश्चंस, मन फाला किसने किया, मन होता है कौन, ये किसने किया, अच्छा जी जाल अल्लाह, जाला का याद है किसी को, क्या बनाना जाला बनाया अल्लाह ने, और खला का समावादी, खला का इशारा भी बता दें किधर होता है, खला का इशारा भी बता दें, खला का साइड पर होता है, खला का इधर खलकता का होता है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं, खला का खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, और मोनस के लिए क्या हो जाएगा, अल्लाह ने पैदा किए बहुत से आसमान, असमावात यानी कि जमा हो गया,
जमा में बहुत से आसमान आ रहे हैं। आज का लेसन देखते हैं कि हमारे पास है जराबा, समिया, अलीमा और आमिला। पहले हमने दो सेट पढ़े हैं, उसमें एक पाला वाला, चलिए रिवाइज करते हैं। उसमें कौन कौन से थे? पाला, जाला, पाता, तीन थे उसमें, यानी कि पहले सेट में। दूसरा सेट हमने पढ़ा था नासारा का, उसमें हमारे पास चार थे, वो कौन कौन से थे? एक तो नासारा, जराबा, लेकिन जराबा नहीं, पाला का, और कौन से थे? नासारा, पाला का, जाकारा, आबादा, ठीक है, ये चार थे। अभी फिलहाल आप ये याद रखें, पहले में तीन थे, दूसरे में चार थे। अभी जो जराबा है ना, ये सिर्फ एक सेट है, ये अकेला पूरा सेट है। क्या बात कही है मैंने? जराबा पूरा सेट है, पहले सेट में तीन थे, दूसरे में चार थे। जो तीसरा सेट है ना जराबा का, इसमें ये अकेला है। उसके बाद समिया, समिया का ये पूरा सेट है, इसमें तीन है, समिया, अलीमा और आमिला। हमने क्या बात याद रखनी है? पहले में तीन है, दूसरे में चार है, तीसरे में एक है, चौथे में तीन है। जराबा इसका माना हमने याद रखना है मारना, जैसे और एक एक माना इसका और होता है जराबा मसलन, यानी कि जरबुल मिसल नहीं हम कहते, जैसे मिसाल बयान करने वाला, यानी इसमें मिसाल बयान की। जराबा के दो माने होते हैं, एक तो हो गया जी मारना और एक बयान करना। इधर हम मारने वाला लेंगे टेबल वही है जैसे हमने पाला, पालू, पालता, पालतू, पालतुम, पालना और पालत, पैटर्न इसका वही है। चलिए ट्राई करते हैं मेरे साथ, आप करवाएंगे। जराबा, जराबू, जराबता, जराबतु, जराबतु, जराबना, जराबत, ठीक है। चलिए इसको उर्दू के साथ एक दफा करते हैं। जराबा, जराबा, उसने मारा, उसने मारा, जराबू, उन्होंने मारा, उन सब ने मारा, चार दुनिया होती है ना जमा बन गया और सामने। जराबता, जराबतु, जराबतु, आप सब ने मारा, देखते हैं कि हल जराबा क्या माना हो जाएगा? क्या उसने मारा? जराबा का इशारे जरा ना, हल जराबा क्या उसने मारा, जवाब क्या हो जाएगा? पहले हमने क्या जवाब दिया? नाम, पिछले पाल में नाम, नाम, हाँ में जवाब दिया जराबा। जरा ये पूरी बात है, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, तो इसका जवाब हम नहीं में देंगे, माँ जराबा। अच्छा, हल जराबू क्या जवाब हो जाएगा? नहीं, हम सबने नहीं मारा। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ हल जरबता, जवाब क्या देंगे? जी मैंने मारा, ये इनका जवाब उन्हीं में रहा है, जराबा से जराबा, जराबू से जराबू, लेकिन जरबता से जरबतु और जरबतुम से हल जरबता, माँ जरब, हल जरबतुम, माँ जरब नाम, जैदुम और जैदन वाली साथ। अच्छा, ये पेश आ गया तो इसका मतलब ये करने वाला है या इस पे हो रहा है? करने वाला है, बुजुर्ग सर। और जैदन इधर हो रहा है। अब आगे हल जराबा जैदन, सबसे पहले तो ये देखना ना, जैदन इस पे हो रहा है, क्या हो रहा है जी? मार पड़ रही है, क्या माना हो जाएगा इस पूरे का जी? हल टुकड़े करके इसको करें जरा, हल का माना क्या? जराबा उसने मारा, जैदन क्या उसने जैद को मारा, क्या जवाब देंगे? माँ जराबा जैदन, जैद का कोई दुश्मन होगा तो वो कहेगा नाम जराबा जैदन, हाँ उसने जैद को मारा, तो हम माँ में जवाब देंगे माँ जराबा जैदन। और हल जराबू जैदन, क्या हम सबने जैद को मारा, क्या जवाब हो जाएगा? माँ जराबू जैदन। ये बात याद रखनी है सर, जराबा का जवाब किसमें आएगा? जराबा में, ठीक है, यानी कि जराबा से जराबा और जराबू से जराबू। अब जरबता आ गया है तो उसका जवाब जरबतू है, जैसे सवाल है पूरा, हल जरबता जैदन, क्या
काम आना क्या बनेगा, थोड़ा सा कोशिश करें। ये तो जवाब हो गया ना, काम आना करने की कोशिश करें। उसने नहीं इशारा देखने किधर हुआ, उसने इशारा इधर है। क्या आप नहीं, मैंने जैद को अच्छा हल सर तुम जैद है, क्या आप सबने जैद को मारा। माँ धर्म ना देखते हैं ना, इनका जवाब आपस में हो रहा है और इनका जवाब आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो चले ये देखें, ये सामने आंसर लिखे हुए हैं, अब मैं क्वेश्चन करूँगा, आपने से कोई एक आंसर दे, देख के आंसर देंगे। कोशिश करें, मैं भी इधर ही हूँ, सामने भी लिखा हुआ, कौन करेगा। अच्छा जी, हल ज़रा बा ज़ैद है, चलिए हल ज़रा बा ज़ैद है, हल ज़रब का ज़ैद है, हल ज़रब तुम ज़ैद है, हल ज़रब का इशारा करें, इशारे से पता चलेगा, इशारे के साथ पता चलेगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। मैं वैसे एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई फेल आ जाता है ना, हमें नहीं मानी पता चल रहा होता, तो आपने क्या करना, उसके टेबल पर शुरू से ले आना। जैसे आ जाता है ना अगर फता हता, तो हमें उसका इशारा अगर नहीं पता चल रहा ना, आपने शुरू से कर देना फता हा फता हु फता हता। अच्छा इधर है, इसके सामने वाले की बात हो रही है, फता हा यानी खोलना, आपने खोलना। ये ट्रिक है, टेबल को दोबारा से शुरू कर दें, मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते। थोड़ी सी एफर्ट्स करेंगे तो ये चीज़ पक्की हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, हमें लगेगा यूं ही कि भाई ये ठीक है, हमें ओके हो गया, हम कर लेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। तो कोशिश करिए, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और इन लोगों ने नहीं मारा, अब इसकी अरबी बनानी, और उन लोगों ने नहीं मारा। अच्छा उन लोगों ने नहीं मारा, इसका इशारा किया जाए, जरा लोगों को सामने आ जाता है ना, आप सब ने नहीं मारा, इधर उनकी बात हो रही है जो यहाँ मौजूदी नहीं आई। जी सर ने इशारा ठीक किया, अरबी क्या बनेगी सर, माँ और भी है ना, वामा जरा और सबने नहीं मारा, समीर दाम लिमन हमीदा। अच्छा इसका कुछ बता दे क्या मामला होता है, तारीख ये हमने पढ़ा था क्लास में, ज़बरदस्त सर। समया को हमने यहीं से याद रखना है, समय अल्लाह यानी कि अल्लाह ने सुन ली, समया का माना है यानी कि सुनना, ठीक है सुनना। एक बार इसका देखते हैं, यानी समय 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 का समय तो समय तुम समय ना मोनस के लिए क्या हो जाएगा, समय बी के नीचे जेर है, समय उर्दू के साथ कर लेते हैं, समय उसने सुना, समय तुम सब ने सुना, समय था समय तुम समय तुम समय ना हम सब जबरदस्त। अच्छा सामने देख के क्यों करवा दे, अगर कुर्बानी किसी को नहीं भी याद, समय समय था समय था समय तुम समय तुम ना जी सर समय समय बहुत अच्छा करवाया आपने, आप भी सर ट्राई कर लें। सर मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप आंसर देना चाहें, हल समय हल समय हल समय था नाम समय नाम सर ठीक है, हल समय तुम नाम सर नाम सर बहुत अच्छा जी। अल कुरान और अल कुरान ये वही मिसाल आ गई है, पेश वाली और दो जबर इधर एक आ गया, अल कुरान यानी कि कुरान ने, और
कुरान यानी कि कुरान को, ये अब आगे देखते हैं जैसे हर समय अल कुरान यानी कि कुरान आता था कुरान को, यानी कि हर समय क्या उसने सुना अल कुरान कुरान को, अगर यहाँ होता अल कुरान हूँ यानी कि क्या कुरान ने उसे सुना, इतनी एक कंसेप्ट बनता ठीक है, तो ये नहीं है अल कुरान कुरान को, हर समय अल कुरान क्या कुरान जी, तो जवाब क्या हो जाएगा नाम। अच्छा नाम का माना है हाँ ठीक है, ये याद रखना नाम समय अल कुरान, हाँ उसने कुरान सुना। क्वेश्चन हो जाएगा हल समय उल कुरान, क्या उन सब ने कुरान को सुना, क्या जवाब होते हैं नाम समय अल कुरान, जबरदस्त। अच्छा जी हल समय तल कुरान, क्या आपने कुरान सुना, इसका जवाब क्या देंगे बात हो रही है क्या उसने कुरान को सुना जो यहाँ मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पे मौजूद होगा ना तो हम आप इस्तेमाल करेंगे और इशारा भी सामने आ जाएगा। और हल समय उल कुरान क्या नाम है और मैं कह दूं भाई मेरा नाम सुभान है तो आपको वैसे ही पता चल जाना, देखिए अजीब सी बात नहीं है, नाम अपना बता रहे हैं इशारा सामने वाले की तरफ कर रहे हैं ठीक है, अगर सामने वाले से सवाल हो रहा है ना तो उसने जवाब अपनी तरफ ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। इशारा कर ले, इशारा की तरह समय ना चार उंगलियों से अपनी समय हमने सुना या हम सब ने सुना एक ही बात है, जमा बनानी है किसी भी तरह हो तो हल समय तल कुरान। अच्छा समय का इशारा देखिए किधर है, शुरू से ले आए समय 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 इनके सामने वाले की बात हो रही है और जवाब आएगा समय नाम समय कुरान, ये ट्रिक है, टाइम नहीं लगता सर, अगर कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना तो आप पूरा टेबल शुरू से ले आए ठीक है। तो हल समय तुम अल अजान, समय तुम का इशारा शुरू से ले आए समय समय आपने ठीक बताया था जवाब, देखिए मैं जरा शुरू से इसलिए लाया हूँ कि आप भी इसकी प्रैक्टिस में आ जाए, इसको करेंगे ना तो फायदा यही है, एक तो जवाब सही हो जाएगा और प्रैक्टिस से हमारा अपना टेबल पक्का हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा जरा मुश्किल है, गैप भी आ जाता है हमारा पूरे वीक का, तो इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये कार्ड पे भी है वो इसीलिए है, ये है हमारा होमवर्क, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं ताकि घर में परेशानी ना हो। तो अलीमा अलीमु और अलीमत मोहनस के लिए जो इशारा करना है ना वो उल्टे हाथ से करना, उल्टा हाथ आपका सर दोस्त उल्टा मोहनस के लिए उल्टे हाथ ठीक है, ये बात याद रखनी है, दाएं हाथ का कोई भी इशारा होगा ना तो मर्द के लिए और जो उल्टे हाथ से होगा वो मोनस के लिए। तो अलीमा उसने जाना, इलम से है जैसे इलम का मतलब जानना किसी चीज़ को तय करना, ये वो ये अलीमा उसने जाना माजी है ना यानी कि ये काम हो चुका है, और अलीमु सबने जाना, अलीम का आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सबने जाना, अलीमना हम सब जाना, और अलीमत जाना।
ठीक है, आप में से कोई करवाना चाहेगा? मतलब तहकीक उसने जाना अमीला। अच्छा ये थोड़ा सा आपने जरा इधर फोकस करना है कि ये है जी अलीमा और अगला हमारा टेबल है अमीला। अलीमा इलम से है, अमीला अमल से है। अलीमा होता है जानना और अमीला होता है जैसे कोई काम करना या अमल करना। तो इसको देख लेते हैं जी एक दफा, अमीला अमिलो अमिलो अमिलता 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 अमिलतु 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 अमिलना 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 क्या हो जाएगा जी? वैसा नहीं हमने सही तरह देखा। अमिलना का वाहिद बताइए, माना नहीं बताना था। वाहिद अमिलना तो इधर है ना, ये जमा है इधर, और इधर का वाहिद होगा ये एक उंगली से। अमिल बूटी तो लगी है सामने आगे पर। तो अगर इस तरह होगा ना अमिल तुम का वाहिद बताइए तो वो क्या होगा? अमिलना अमिल तुम अमिल तुम सामने जमा है तो वाहिद भी सामने ही होगा, तो क्या होगा वो? अमिलता। सर बहुत अच्छे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन पहले गौर से पढ़ लेना फिर जवाब देना। अब जैसे हमने अमीला पढ़ा, आगे पढ़ाई किया, माना देते रहे आपको भी ये जवाब। तो हल अमीला हल क्या अमीला क्या उसने अमल किया क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे जवाब दिया। नुक्ता है तालीम या शौक की एक बात होती है, वो देखते हैं जी आज क्या बात है कि मोहम्मद सल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? चाहते हैं ना सर, तो वो कैसे बन सकते हैं? तो बेहतरीन इलम कुरान का इलम है, क्यों ना हम इलम के रास्ते पर चलें। ठीक है, अलूम तो बहुत सारे हैं ना दुनिया में, जैसे ये इलाका एक सरगोधा का हब है, इधर सबसे ज़्यादा कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी भी साथ ही है तकरीबन, हॉस्टल्स भी सारे इधर ही हैं। यानी कि ये एक किस्म का सबसे ज़्यादा जो इलम हासिल करते हैं लोग इधर करते हैं, और कई गाँव से आए होते हैं। तो जितने भी क्लासेज हो रही हों, वो अभी तो नहीं हो रही क्लास, जब भी हो रही हों और जिधर मर्जी जगह पर हो रही हों, हम जो हैं बेहतरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट हमारे पास है। वो क्या सर्टिफिकेट है जी? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आपको सल्लम ने कह दिया कि तुमने से बेहतरीन हुआ है जो कुरान सीखे और सिखाएगा। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इसे सिखाएंगे भी। और एक हदीस की है जी कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया। क्या फरमाया जी? कि जो शख्स इलम की तलाश में निकलता है, जैसे आप सब लोग आए हैं ना निकल के, मकसद तो यही है ना कि इलम हासिल करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो निकलता है इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं जी। अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इलम हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, और जब वो इलम हासिल करने के लिए निकलता है तो वो क्या करते हैं जी? अपने पर बिछा देते हैं। और सर बता रहे थे कि पत्नी हदीस है, हदीस साबित है कि वो अपने जिस्म को ना इंसानों के साथ टच करते हैं, जो यानी कि इलम हासिल करने के लिए निकलता है ना, इसलिए बरकत के लिए। ये कितनी बड़ी फजीलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला इसकी इस्तेकामत भी दे, दुआ भी अल्लाह से करनी चाहिए। और इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालें। चौथा होमवर्क भी हमारा क्या जी? की किताब से पढ़ें। तो ये ठीक है, जो लोग निकालते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकालते वो कम अज़ कम अभी बैठ के नीयत कर लें। क्यों जी सर जी? अभी बैठ के नियत कर लें कि इस कोर्स की किताब के लिए रोज़ाना
कम से कम 10 मिनट निकालना है, तो 24 घंटे और मिनट को अगर हम ज़रब दें, 60 मिनट एक घंटे में होता है, तो 24 से ज़रब दें और फिर हफ्ते से ज़रब दें, तो डेली सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के काम के लिए। नीयत यही होगी अल्लाह के काम के लिए, इबादत की नीयत से। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, और इसलिए जो था हम लोग स्पोर्ट्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुताया करते हैं, वो बुक्स वगैरह सबके पास हैं, अगर नहीं है तो मोबाइल में मौजूद है पीडीएफ फाइल्स में, तो वो उधर से देख लें जैसे, और फिर ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर, ठीक है। तो वो सीखेंगे तो हम तभी ना जब हम मुताया करेंगे कुछ सीखेंगे, बेहतरीन लोगों में भी अब तभी शामिल होंगे जब हम सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अचीवमेंट है जी, और ये हमारे लिए इंस्पायरेशन होनी चाहिए। वो कैसे, आज हमने सिर्फ 11 अल्फाज सीखे हैं, जो हमारी पिछली 10 क्लासेस को मिला के टोटल 131 अल्फाज, यानी कि 11 क्लासेस में हमने 131 अल्फाज सीखे हैं, सिर्फ 131। और वो पुराने मजीद में कितनी मरतबा आए हैं, 30,000 और तकरीबन 800 मरतबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बैटरी हमारी 30,000 से बाहर चली गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो टोटल अल्फाज सारे सिर्फ 78,000 हैं, तकरीबन हमने आधे के करीब हम पहुँच चुके हैं, तो ये इंशाल्लाह अगली क्लासेस में 40,000 तक पहुँच जाएंगे। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने कितना सीखने हैं, 70,000। देखिए जी ज़िंदगी हमारी चल रही है ना, मर तो हमने जाना है किसी ना किसी दिन, तो एक ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है अल्लाह ताला ने अजर दे और इस्तकामत भी दे, तो ना अगर इस सिलसिले के साथ रहते हुए गुजर जाए मौत आ जाए, तो हम इसी सिलसिले से अटैच हों, तो कुरान की क्लासेस चल रही हों, कुछ पढ़ा रहे हों या कुछ पढ़ रहे हों, तो कितनी अच्छी बात है, बजाय इसके कि किसी फजूल एक्टिविटी में मसरूफ हों या कोई दीगर काम कर रहे हों। तो ये हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और ये वही बात सबसे मेन बात कि आप सब मुंतखब लोग हैं, ठीक है। अब कितने हमारे साथ 3-4 लोग भी थे सर, वो आज नहीं आ सके, क्यों नहीं आ सके, और किसी तरह से वो खुद नहीं आना चाहते थे, या अल्लाह उन्हें लेके नहीं आया, या और कोई शैतान ने उन्हें कोई तगड़े तरीके से भड़का दिया, वो आ नहीं सके। तो हम मुंतखब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में आ गए, जैसे सर की काफ़ी तबीयत खराब है, लेकिन वो फिर भी बैठ के लिसनिंग कर रहे हैं, क्योंकि PTI में हमने देखा ना सबसे पहले सुनना है, तो सुनने से भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो कम अज़ कम ना आने वालों से बेहतर है। तो ये हमारे होमवर्क्स हैं, अब इनको करने की तरफ आ जाएंगे। इसकी वजह यही है कि अब तो हमारा एक तो लेवल अपग्रेड हो गया है, अब थोड़ा सा हमें भी अपग्रेड होना है। वो कैसे होना है, पहले तो हम आते थे बस क्लास में बैठते थे, सुनते थे चले जाते थे, फिर हमें पता चलता था भाई अगले हफ्ते फिर क्लास है, फिर आते थे फिर सुनते थे चले जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या लेवल आ गया कि हमारी बैटरी तकरीबन आधी हो चुकी है, आधे पाल हम सीख चुके हैं, तो हमें ये चाहिए कि होमवर्क्स भी करें, थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि पिछला भूल ना जाए सारा। ये हमारा कोविड कार्ड है, टीचर बनिए, वही बात है, जो कुछ हमने सीखा है इसको आगे सिखाना बहुत आसान है। तो फ़ायदा ये है कि जो हम किसी को सिखाते हैं ना, वो हमें कुछ कभी भी नहीं बोलता। ये हर क्लास में बात इसीलिए होती है कि हम हदीस को पूरा करें, कई रुक मनता कुरान वामा हो, बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसे सिखाए। सिर्फ सीखने तक बात नहीं है जी, आगे सिखाना भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप आलिम फाजिल बने फिर सिखाएँ, अपने लेवल के मुताबिक जितना सीखे उतना सिखा। और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, जैसे हमारे एक दो टीचर अभी ट्रेन हो गए हैं इस्लामाबाद से, वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, टाइम सर हो चुका होगा, तो वो थोड़ी सी बीच में ब्रेक लंबी होगी इसलिए ज़्यादा हो गया। ये हमारी वर्कबुक का पेज है, तो कोई ज़्यादा का समय अली का हामिला जो हमने टेबल्स किए हैं, क्वेश्चन आंसर में ये आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। और अगर टेबल सबसे पहले आप टेबल लिखेंगे ना, तो आप ये सवाल खुद कर लेंगे इसमें, क्योंकि वो टेबल भी होते हैं, जैसे ज़राबा आ गया, ज़राबा का जवाब ज़राबा में होगा, इसी तरह सारे ये बहुत आसान है, इधर अरबी से अरबी में जवाब देना है, ठीक है। तो क्लास का टाइम काफ़ी गुजर गया, तो हमारा आपको क्विज भी आ जाएगा जैसे 10 और 11 का, और ये हमारे कोर्स डेट एंड टाइम है, कोई सी होमवर्क क्विज आ जाएगा, अभी आ जाएगा क्लास के बाद, ये भी आपने करना, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे फ्री टाइम में। तो अल्लाह से दुआ है कि वो कुरान पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहमदिही सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहमदिका نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.